पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलो ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरा नाम है बीएस ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इन्होंने क्या दिए थे? शैक्षिक उद्देश्य दिए थे। शैक्षिक क्या? शिक्षा से संबंधित उद्देश्य। अब इनका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। बीएस ब्लूम और दो चार जने, चार व्यक्तियों की समिति थी, ये अमेरिका के थे, ठीक है। तो वहां समिति गठित की और चार वर्षों में उन्होंने रिजल्ट दिए और उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। अब उद्देश्यों का वर्गीकरण करके इन्होंने क्या रिजल्ट्स दिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती किसके लिए है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। अरे अधिगम के लिए होती है, और अधिगम क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ही तो अधिगम होता है, ठीक है। तो इससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी बात, मूल्यांकन की समस्याओं को सुलझाना उपयोगी है। कहीं भी बीएस ब्लूम और मूल्यांकन आ जाए, मूल्यांकन वर्ड, मूल्यांकन की समस्या, मूल्यांकन से रिलेटेड, तो ब्लूम बीएस ब्लूम करना है, ठीक है। ब्लूम ने, इन्होंने क्या बताया कि व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं, तीन पक्षों के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण भी कर दिया। जैसे मैं अधिगम पढ़ाते समय कई बार आती हूँ, अपने तीन पक्ष होते हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावनात्मक पक्ष होता है, तीसरा क्रियात्मक पक्ष होता है। अब इन्होंने भी इन पक्षों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो क्या शैक्षिक, कितने उद्देश्य बताए? तीन बताए। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो ज्ञान से रिलेटेड टू माइंड, माइंड माइंड यानी कि मस्तिष्क, है ना, ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग, ये सब क्या है? जहां मस्तिष्क में जो संक्रियाएं चलती है वो क्या है, इसमें आ जाएगी, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आ जाएगी। उसके बाद आता है भावनात्मक। तो भावनात्मक क्या होता है? भावनात्मक रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो हृदय से संबंधित, इनकी भावनाओं से संबंधित, भावनाओं से संबंधित यानी रुचियों अभिवृत्तियों या मूल्यों से संबंधित, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे? भावनात्मक उद्देश्यों में आएंगे। एक होता है क्रियात्मक, क्रियात्मक शरीर की गतिविधियों से, लिखना चलना, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, कोई कौशल से संबंधित हो। अभी मैंने पहले क्या कहा था कि कौशल जब हम पढ़े थे तो मैंने कहा था कौशल किस पक्ष से संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ज्ञानात्मक कितने दिए? मूल्यांकन वर्ड आ जाए, यानी कि मूल्यांकन के आधार पर समस्याओं का सुलझाने में उपयोगी है। कौन? ब्लूम का टैक्सोनॉमी। तो एक चीज तो आपको क्या याद रखना है, मैं नहीं बोलती कि पूरी, एक तो मैंने पूरी रामलीला को सलेक्ट लिया इन शब्दों के अंदर, फिर ये जो देखो मैंने कहा शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स, इस रामलीला को भी और शॉर्ट करना है आपको। क्या याद रखना है? इति रामलीला नहीं रखना है। मैंने कहा रिवीजन कैसे करना है? एक सेंटर पॉइंट, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है मूल्यांकन, और यहाँ पे क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब इन्होंने तीन पक्ष बताए भाई, एक दो बार तो ऐसे पढ़ोगे, लास्ट में कैसे पढ़ोगे कि मूल्यांकन को आधार बीएस ब्लूम, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, मूल्यांकन को आधार बताया, तीन पक्षों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का भी तीन वर्गीकरण किया, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या भाई? मैंने बता दिया कि दिमाग से संबंधित है, और दिमाग से संबंधित है यानी कि ये रिकॉल और रिकॉग्निशन, हिंदी में बोलोगे तो प्रत्यास्मरण पर जोर देता है। स्मरण करी कोई चीज, स्मरण यानी याद करी, प्रत्यास्मरण उसको रिकॉल करा, कोई चीज याद है। जैसे मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सबको याद है नरेंद्र मोदी, लेकिन इस चीज को याद करना दिमाग फटाक से, ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो याद हो गया, करना है, ठीक है, रिकॉल करना है। तो रिकॉल किससे करते हैं? दिमाग से करते हैं, ठीक है। रिकॉल या रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन पहचान, पहचानना किसी चीज को, समस्या को, तो पहचानते किससे भाई? दिमाग से, ठीक है। तो प्रत्यास्मरण बहुत ऐसे कठिन वर्ड लग रहा है, लेकिन प्रत्यास्मरण है रिकॉल, वापस को याद करना, दैट इज प्रत्यास्मरण, ठीक है। पहचान और बौद्धिक योग्यताओं के विकास में, बौद्धिक बुद्धि से संबंधित जो भी आए ज्ञानात्मक पक्ष में टिका देना, ठीक है। इसके बाद आता है भावनात्मक, भावनात्मक में एक बात ये याद रखना है, ब्लूम के साथ थे क्रेबाल और मसिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे ब्लूम के साथ कौन है, तो अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों गलत करें इस चीज को, करे क्रेबाल और मसिया, ये भी, अरे मसिया होता है थोड़ा फीलिंग्स समझ लेता है ना, मसिया, तो मसिया भावनाओं से संबंधित है, भावनात्मक पक्ष क्रेबाल, ठीक है। इन्होंने भावनात्मक पक्ष में क्या आता है? कोई चीज को इंटरलाइजेशन करना, इंटरलाइजेशन क्या होता है? आंतरिकीकरण, है ना, हृदय से उसको आंतरिकीकरण समझ लो, इंटरलाइजेशन कर लेना उसको, अपने आप में समाहित कर लेना, यानी कि रुचियों, जो भी रुचि से संबंधित आएगा या अभिरुचियों की बात होगी, जहां भी मूल्यों की बात होगी, मूल्य किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू हार्ट, इन कोई ज्यादा
इमोशनल होता है, कोई कम होता है, ठीक है। तो ये प्रवृत्तियों या मूल्यों से रिलेटेड जो भी चीजें वो किसमें टिका देना, भावनात्मक पक्ष में। और क्रियात्मक उद्देश्य शारीरिक या जो कौशल है, क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, लिखना चलना गतिविधि जो शारीरिक हो रही है, तो वो किसमें आ जाएगी, क्रियात्मक पक्ष में। अब ये तीन पक्ष तो दिए, लेकिन अभी इसमें हमारे को पढ़ना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इनको इस क्रम में याद भी रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ये तीन पक्ष हैं, इन तीन पक्षों को भी और डिवाइड किया हुआ है। जैसे ज्ञानात्मक, सबसे पहले हम लेंगे ज्ञानात्मक पक्ष, जो किससे रिलेटेड है, बौद्धिक क्षमताओं, बौद्धिक योग्यताओं से रिलेटेड है। यानी किस पे जोर देता है, रिकॉल पे, रिकॉग्निशन पे, स्मरण पे, पहचान पे जोर देता है, ठीक है। इसके बाद जो ज्ञानात्मक पक्ष के, ये इनको याद रखना, छह प्रकार है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सबसे पहले किसी चीज का ज्ञान होना, उसको सूत्रों, उसके अभी मैंने ये सारे समझाए तो थे पहले, ज्ञान होना यानी कि उस चीज का, जैसे किसी सिद्धांत, प्रत्यय या सूत्र है, उसका ज्ञान होना, स्मरण करना, या ये तीन प्रकार, किसी विशेष का ज्ञान होना, किसी वो विशिष्ट क्षेत्र है उसका ज्ञान होना, या उस विशिष्ट क्षेत्र के जो वेज है, मीन्स है, स्रोत है, उनका ज्ञान होना, या कोई सार्वभौमिक या अमूर्त चीजें हैं उनका ज्ञान होना, ठीक है। तो ये ज्ञान जो स्मरण पर बल देता है, ठीक है, ये ज्ञान है स्मरण पर कि ये आपको याद होना चाहिए, ये ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद जब वो ज्ञान तो है आपको, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से, उसको आंकड़ों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से उस ज्ञान की समझना उसको, तो वो क्या है, अवबोध है, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे ये याद तो कर लिया लेकिन समझ नहीं आया, तो वो क्या है, अब अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे समझाया किसी ने, अब अंडरस्टैंडिंग हुई है इसके बारे में, वो अवबोध हो गया, अवबोध तो हो गया। ये ज्ञानोपयोग, उसको अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन, ज्ञानोपयोग क्या है, उस चीज को दैनिक जीवन में उपयोग में लेना। अनुप्रयोग आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, ज्ञानोपयोग आ जाए, एक ही बात है कि उसको दैनिक जीवन में उसको अप्लाई करना, किसी वैसी परिस्थिति दूसरी जगह आ जाए। जैसे मैंने वो न्यूटन के बल वाला दिया था कि न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन आपने जैसे कहीं आप खुद एग्जांपल, जैसे स्प्रिंग वाले में मैंने कहा, आपने खुद ने सोचा कि स्प्रिंग भी बल लगा रही है, हर चीज में प्रतिक्रिया की क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब जैसे अपन दीवार में धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो ये दीवार अपने को धक्का मार रही है, जैसे टेबल हो रही है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, तो उसका आप यदि प्राप्त ज्ञान को, देखो ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग क्या है, कि प्राप्त ज्ञान को आप नवीन परिस्थिति में भी प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्या है, ज्ञान का उपयोग है। उसके बाद आता है विश्लेषण, हमेशा याद रखना, संश्लेषण सम यानी कि जोड़ना, और विश्लेषण होता है तोड़ना, यानी कि कोई भी पाठ्य पुस्तक है, जैसे अभी हमने पढ़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना, कोई भी इकाई या उसको पाठ्य पुस्तक है, उसको इकाई के रूप में, पाठ के रूप में तोड़ के, सब इकाइयों के रूप में तोड़ के उसको समझना, ठीक है, तो वो तो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण होता है चीजों को जोड़ के समझना, इजी लैंग्वेज में बता रही हूं कि तोड़ के समझना, विश्लेषण जोड़ के समझना, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन आता है लास्ट में कि कितना समझा, आउटपुट क्या है। मूल्यांकन क्या करता है, आकलन करता है किसी चीज का कि कितना समझा, कितना आउटपुट मिला, यदि जो व्यवहार में परिवर्तन हम लाना चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज क्या करती है, मूल्यांकन करती है, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, सबसे पहले उस चीज को ज्ञान होगा, फिर उसकी समझ बनेगी, उस समझ बन जाएगी तो हम उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, वो हो जाएगा ज्ञानोपयोग। अब ज्ञान का उपयोग हम दो, विश्लेषण और संश्लेषण, ये विधियां भी आएगी आगे पढ़ेंगे, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि के द्वारा। तो विश्लेषण तोड़ के, संश्लेषण जोड़ के, फिर क्या करो, मूल्यांकन कर दो। समझ आ गया, याद भी रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ज्ञान है, स्मरण पर आधारित है, अवबोध है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। अवबोध क्या हो गया, यदि उसको उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया, अब टोटली उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, इसका मतलब क्या है कि वो अर्थ ग्रहण, कोई भी है उसकी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता हो गई कि ये जो है इसका मीनिंग क्या है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता हो गई। अब वो क्या कर सकता है, वो अनुवाद कर सकता है उस चीज का, वो व्याख्या कर सकता है, वो बहिर्वेशन कर सकता है। तो अनुवाद, व्याख्या और बहिर्वेशन, कई ये तीन इसके टर्म्स है, कई बार आ जाता है कि इनमें से नहीं है, तो ये तीनों तो भाई है। यदि वो उस चीज का अर्थ ग्रहण करने की उसकी क्षमता आ गई, क्षमता हो गई, तो वो क्या करेगा, उसका अनुवाद भी कर देगा, व्याख्या भी कर देगा, उसका एक्सप्लोइटेशन भी कर देगा। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद ज्ञानोपयोग को मैंने समझाया कि अनुप्रयोग बोल दो, ज्ञान प्राप्त ज्ञान को नवीन परिस्थिति में आप कहीं भी प्रयोग कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, ज्ञानोपयोग हो गया। हाँ, तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा जब क्या करेगा,
तथ्यों या कोई भी नियम है उसका सामान्यीकरण कर देगा, जनरलाइजेशन कर देगा, ठीक है, उसको अच्छे से समझ आ गया कि ये होता है, जैसे कि प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इस चीज को वो सामान्यीकरण जहां भी ऐसा हो रहा है हर जगह होता है, प्रत्येक जो क्रिया हो रही है उसका विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो हर जगह उसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि उसको सामान्यीकरण कर दिया उसने, ठीक है, पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर सकता है, पाठ्य सामग्री जैसे यही है, पाठ्य सामग्री में ही तो पढ़ा हमने, तो इसका वो प्रयोग भी कर सकता है। विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण अभी मैंने कही तोड़ के पढ़ना, यानी कि कोई भी पाठ्य सामग्री है, कोई भी पाठ है, तो उसको इकाई या प्रकरणों में विभाजित करके उसको अंतर संबंधित करना एक दूसरे से, कि जैसे एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना, हम बोलते हैं तुलना करके पढ़ो भाई, तुलना करके पढ़ने से ज्यादा संबंधित, और तुलना करके उसको इकाइयों में तोड़ के फिर एक दूसरे में तुलना स्थापित करके फिर पढ़ना, तो ये विधि कौन सी होती है, विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि किसका विश्लेषण करता है, तत्वों का, संबंधों का, या कोई भी सिद्धांत है उनका विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है, उनको तोड़ के इकाई प्रकरण में बांट के फिर उनके मध्य तुलना करके वो पढ़ना विश्लेषण हो गया। अब संश्लेषण क्या है, संश्लेषण इंपॉर्टेंट है भाई, संश्लेषण को सृजनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है, जैसे कहीं पे कुछ चीज की रचना कर रहा हो, कुछ उत्पत्ति कर रहा हो, उत्पत्ति प्रोडक्शन, क्रियाओं की उत्पत्ति या कोई संबंधों की उत्पत्ति या कोई संप्रेषण इन कम्युनिकेशन की उत्पत्ति या अमूर्त कुछ संबंध खोज रहा है साइंस के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, वो है संश्लेषण। ये विश्लेषण का जस्ट उल्टा है, विश्लेषण में इनका नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ तो विश्लेषण मतलब तोड़ के पढ़ना, संश्लेषण मतलब जोड़ के पढ़ना, यानी कि किसी भी तत्वों है उनको एकत्रित करके, उनको संगठित करके कुछ संरचना बना देना, यानी कि संगठित करने की जो क्षमता है, सृजनात्मक जो क्षमता है, वो क्या होता है, संश्लेषण। तो संश्लेषण आ जाए तो कई विधि के रूप में भी अपनी पढ़ो, तो संश्लेषण विधि क्या करती है, सृजनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है, इंपॉर्टेंट है संश्लेषण सृजनात्मक, ठीक है। उत्पत्ति यानी संप्रेषण, योजना कुछ प्रोडक्ट, अरे सृजन किया, सृजन यानी कुछ रचना की, रचना की, तो उत्पत्ति यानी प्रोडक्ट, इनकी संप्रेषण की हो या योजना की हो या कुछ खोजना, अमूर्त संबंध खोज दिए, जैसे कि इसमें दाब में बल में क्या संबंध है, या जैसे विज्ञान में तो अपन संबंधी संबंध पढ़ते हैं, इन्हें बल है उसका दाब से संबंध या और संबंध है ना, तो वो क्या है, संबंध खोजना, कोई सूत्र खोज दिया, तो क्या करा, उन चीजों को जोड़ के तोड़ के क्या करा, एक नया संबंध खोज दिया, ठीक है। अब मूल्यांकन, ये तो हुआ संश्लेषण, मूल्यांकन क्या, लास्ट का पार्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, किसी विद्यार्थी ने ज्ञान अर्जित किया, अवबोध, ज्ञान उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, इनके माध्यम से इनकी जो उपलब्धि है इसकी जांच करना, वही क्या है मूल्यांकन। और मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच की जाती है कि उसने कितना सीखा। तो इसके 6 प्रकार है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। याद रहेगा इसको, इसी क्रम में रट लीजिएगा, कई बार क्रम व्यय, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, राइट। आज के वीडियो में इतना ही, मैं सोच रही थी आज मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी इसी टेट वाले और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो, लेकिन वीडियो जो इसकी जो अवधि है वो ज्यादा हो रही है, तो हम मुझे लगता है ये अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तो 2 पक्ष भी बच गए हमारे, क्रियात्मक और भावात्मक जो उद्देश्य है वो भी बच गए, उनको भी देखेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि सीटेट वगैरह में आए। और मैंने बताया कि सीटेट के जो क्वेश्चन है वो इसकी समझ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने तो यही किया, सीटेट के एग्जाम जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वही सोल्व किए, तो वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और ये टीचिंग मेथड है वो कैसे लगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लेके आते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।